हेलो हाय अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे तो क्यों नहीं देख रहे, देखना शुरू कर दें, और वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग बार बार मिल सकेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आज जो है मैंने वीडियो सोचा कुछ टी टाइम के लिए, या फिर इवन के ये इस तरह का स्नैक है, शामी कबाब जो है ना, इस तरह का स्नैक है जो कि हम लोग सुबह भी खा सकते हैं पराठे के साथ, और स्नैक टाइम पे भी दे सकते हैं। पुलाव बनाओ तो साइड डिश की तरह भी उसे रख सकते हैं, तो मतलब एक मल्टी पर्पस डिश है ये। तो फिर बस इसीलिए मैंने शॉपिंग के लिए बाहर गई थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ रख के चलती हूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि क्या क्या ले रही हूँ। ऑटो को देख के एज यूजुअल एक्साइटमेंट शो करनी होती है ऑटो क्योंकि ये पाकिस्तान की शान है, यहाँ पे इतने सारे ऑटोज हैं। पाकिस्तान में ऑटोज जो हैं वो बहुत, इंडियन वीडियोस देखती हूँ जिसमें बताया रिक्शे वाले भैया, रिक्शे वाले भैया बहुत फनी लगते हैं मुझे। मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, इसलिए जब वो भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत फनी लगती है। और पोती बाहर जा रहे, दादी पोती बाहर, चलो अंदर चले। ये आपको कह रही है कि बाहर घूमने चलो, कितना घूम के आया ये देखना। कुछ बस हानु जो है वो अम्मी के साथ बहुत खुशियाँ मनाती रहती है, क्योंकि अम्मी जो है ना वो बाहर लेके जाती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, और अम्मी को हर वक्त जब सुबह सुबह उठती भी है तो अम्मी के पास आके जो है बैठ जाती है, क्योंकि अम्मी को इसको पता होता है ना कि अम्मी ने जो है वो धूप में जाके बैठना है तो मुझे भी साथ लेकर चली जाएंगी। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है वो मैं शामी को अम्मी के साथ ना बनाने में हेल्प कर रही थी, तो इतनी ये जो है वो किस तरह के शामी कबाब है, आलू और चिकन के हैं, ठीक है। इसमें वो दाल जो होती है ना, हम लोगों ने दाल नहीं डाली, दो तरह के होते हैं, बल्कि अब तो एक और भी मैं देख रही थी वो तीन तरह के होते हैं, उसमें जो है वो सिर्फ दाल के जो है वो बनते हुए मैंने देखे थे, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के। ये वाला जो है ना वो इस तरह के हैं कि आलू इसमें काफ़ी सारे जाते हैं, और चिकन का जो है ना वो सिर्फ मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है, उसको जो है अम्मी ने बॉयल करके थोड़ा सा मसाले डाल के जो है बॉयल कर लिया था, और अब मैं जो है श्रेड कर रही हूँ, और इसको जो रेशा रेशा करना है ना वो मैं अपने हाथों से भी बाद में करूँगी, अभी जो है ना सिर्फ नाइफ से मैं इसको हल्का हल्का कट लगा रही हूँ। अम्मी जो है वो आलूओं को ग्रेट कर रही हैं, और इसके अलावा जो है मैंने जो है वो मिर्ची और धनिया काटना था, तो बस वही काम कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो धनिया जो है ना वो काफ़ी सारा डालो तो तभी मज़ा आता है शामी कबाब के अंदर। और ये एक टिप है जो मैं अभी देने लगी हूँ आपको, अगर आपके हाथ पे ना मिर्ची जब आप काटते हैं, सब्ज़ मिर्च जो होती है वो काटते हैं, तो उसके बाद आपके नाखूनों पर होता है ना कि नाखून और जो फिंगर टिप्स होती हैं,
इधर जो है वो थोड़ी जलन सी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट होता है कि अगर आप जो है वो फॉर्क ले लें और इसके मिर्ची के ऊपर रख के जो है फिर उसके बाद जो है वो कट लगाए ना, तो वो बहुत बारीक बारीक से भी लगते हैं और सही से कट भी हो जाती है और आपकी फिंगर जो है ना उसकी भी बचत हो जाती है। इसके अलावा भी आप ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, अगर ग्लव्स नहीं है तो फिर उसके अलावा जो है ये वाली चीज़ कर सकते हैं कि, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा ज़्यादा लग जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कम ही लगेगा कि फॉर्क जो है उसको उसके ऊपर रख के ना फिर कट लगाए तो सही हो जाएगा। पीछे जो है वो हानो लियो के साथ बड़ा अच्छे से खेल रही होती है, मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो मैं उसकी इस तरह की छोटी छोटी क्लिप्स बना लेती हूँ, सारे बनाते हैं फिर एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो ये वाली इतनी क्यूट लग रही थी। लियो को ना अब आजकल अपने बस ये जो इसने कार सी है इसके पास, उसके अंदर बिठाती है और उसको जो है वो झूले दे रही होती है, और इतना क्यूट लग रहा होता है, खुद नहीं ले रही होती उसको दे रही होती है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे जो है वो मसाले जा रहे हैं, मसाले जो है वो बहुत बेसिक है, कोई भी बाहर का मसाला जो है हम नहीं डाल रहे, जिसमें लाल मिर्च है, कोरिएंडर पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और इसके अलावा नमक है, ठीक है। और आपने ये जो दरदरी मिर्च होती है ना, जो मतलब ड्राई चिली होती है, रेड चिली, ये भी अगर डालनी है तो डाल लें। और इसमें जो दिल भर के जो चीज़ डालनी है वो होता है सूखा धनिया, इसका खुशबू बहुत प्यारी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है शामी कबाब में। इसके बाद जो है इसके अंदर थोड़े से अंडे जाएंगे इसकी बाइंडिंग के लिए, अगर कोई अंडे नहीं खाता तो आप ऐसे ही मिक्स कर लें, ये तब भी हो जाता है, लेकिन अंडों से ही होता है कि इसकी बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। हम किचन में काम करें और हानो जो है वो ना आए और दरवाज़ा खुला है और वो ना आए, देखें ज़रा। बच्चा तब से वेट करे तो बाहर आने का है ना, हाने आवेला पाला बच्चा पाला। अब नहीं शरारत करने गया है, यहाँ पर जो है वो अम्मी इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी ड्राई चिली जो है वो ऐड कर रही हैं, फिर उसके बाद जो है दोबारा से मिक्स करेंगे, मिक्स 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 करते रहेंगे और बस इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको शेप में ले आएंगे और इसको फ्रीज में रख देंगे, यही होता है। अम्मी जो है वो बहुत टाइम से बनाती रहती हैं ये चीज़ें, तो अम्मी को आइडिया है कि इसकी शेप जो है वो सबकी किस तरीके से देनी है, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल भी लाइक या तो होते हैं कि बहुत पहली बार बना रहे हैं या फिर ऐसा हो कि बहुत प्रोफेशनलिस्ट भी होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल परफेक्शन में चीज़ें चाहिए, तो तब ये होता है कि आप शेपर जाते हैं बहुत डिफरेंट तरह के, वो ले लें और उससे जो है वो कर लें, दराज जो है वहाँ से भी मिल जाते हैं।
बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।